जय हिंद दोस्तों, मैं पवन इपने न्यू अतुल फिजिकल एकेडमी इंदौर से। दोस्तों, आपको इंडियन आर्मी में अपना करियर बनाना है, साथ ही साथ अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, तो इंडियन आर्मी जाने से पहले आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना अनिवार्य है, आवश्यक है। दोस्तों, पहली बात तो आपको फिजिकल का विशेष योगदान रहता है इंडियन आर्मी में ज्वाइन करने के लिए। आपको फिजिकल का क्राइटेरिया, आपको फिजिकल दिन प्रतिदिन आपको ग्राउंड आना होगा, और साथ ही साथ दिन प्रतिदिन आपको वर्कआउट करना रहेगा, वो भी अलग अलग, और सप्ताह में एक बार जो 1600 मीटर का जो रनिंग होता है आर्मी में, जो सप्ताह में एक बार 1600 मीटर का टाइमिंग लगाएं, ताकि आपको खुद को पता लगे कि हम कहाँ, हमारी जो तैयारी है कहाँ तक है और क्या करना है, कौन सी कमजोरी, इस बात का पता हमें होना आवश्यक है। दोस्तों, साथ ही साथ फिजिकल के साथ साथ आपको रिटर्न की तैयारी करना होगा, और दिन प्रतिदिन आपको टेस्ट सीरीज देना रहेगा, ताकि ये पता लगे कि हमारा कौन सा पोर्शन कमज़ोर है या कौन सा पोर्शन जो है स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों, तैयारी भी आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग करना रहेगा, या जो आर्मी का सिलेबस दिया हुआ है, मास रीजनिंग जीएस, जो भी है सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करनी रहेगी, और ज़्यादा पूरी रामायण नहीं करना है। आप जो भी तैयारी करनी है सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करें। दोस्तों, अगला पॉइंट महत्वपूर्ण है, आप जानते हो, सिगरेट यानी नशा और वाइन। दोस्तों, ये आपको अच्छे से पता है कि धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, इसके लिए मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि आपको खुद को पता है। इसके बस यही बोल सकता हूँ कि आप सिगरेट और वाइन का सेवन ना करें, यदि आप आर्मी की तैयारी कर रहे हो तो। दोस्तों, सिगरेट और वाइन का अगर आप सेवन कर रहे हो तो आपका जो रनिंग की स्टेमिना है और वो कम हो जाएगी, और आप जल्दी से जल्दी थकान महसूस करोगे, और आपकी जो रनिंग है वो इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगी। दोस्तों, अगला पॉइंट महत्वपूर्ण पॉइंट है, थर्ड पॉइंट। दोस्तों, थर्ड पॉइंट है दोस्तों, कि आप पर किसी भी तरह कोई मुकदमा दर्ज ना हो, कोई अपराध सिद्ध ना हो। दोस्तों, इसके लिए विशेष ध्यान रखना रहेगा कि आप ऐसी जगह सांप्रदायिक या फिर ऐसे आंदोलन में ना जाए जहां आपके ऊपर मुकदमा दर्ज होने की शंका हो। दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आजकल जो मुकदमा दर्ज होगा पूरी तरह ऑनलाइन है, और ऑनलाइन पे यदि आपके ऊपर एक बार मुकदमा दर्ज हो गया तो आपका इंडियन आर्मी का पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप किसी भी ऐसे आंदोलन में ना जाएं जहां आप पर मुकदमा दर्ज होने की संभावना हो, और मुकदमा या अपराध दर्ज हो। दोस्तों, जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।